हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज सूरज एंड मैं रेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। बोले तो रेंट रूम्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को रिसर्च करके। एंड बदले में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। आज हम लोग जयपुर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पर जयपुर में रेंट मिल जाएगा, उस एरियाज के नज़दीक में कोचिंग सेंटर होगा कि नहीं होगा, एंड जितने भी रेंट मिलेंगे वो आपको कितने में मिलेंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों को रिसर्च करने के बाद मैं बताता हूँ। एंड साथ ही साथ एक वेबसाइट भी डेवलप कर रहा हूँ जिसका नाम है rentwalain.com। यहाँ पे रेंट ओनर अपना रेंट को रिलीज कर सकते हैं एंड यहाँ पे उन लोगों का नंबर पब्लिक कर दिया जाता है ताकि उनका रेंट जल्दी से जल्दी लग जाए। अकेले रहना चाहते हो तो रूम मत खोजना, एंड रूम खोज रहे हो तो अकेले मत रहना। बोले तो अगर आप अकेले हो, आपके साथ आपके दोस्त यार फ्रेंड्स नहीं है, आप अकेले ही रूम खोज रहे हो, तो आप लोगों को रूम छोड़ के पीजी से रहना चाहिए, क्योंकि रूम का भाड़ा ही आप लोगों को काफ़ी महंगा पड़ेगा। ऊपर से खाना, बिजली, ट्रैवलिंग, कोचिंग इत्यादि के खर्चे आप लोग झेल नहीं पाओगे, तो पीजी आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। ये मैसेज खास तौर पे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। जयपुर में आप लोगों को पीजीस मैरियट, महावीर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, टोन फाटक के आसपास मिल जाएगा, एंड इन्हीं जगहों में आप लोगों को कोचिंग सेंटर भी मिल जाना है। एंड जहां तक रेंट का सवाल है, इन सभी जगहों पे जितने भी पीजीस आप लोगों को मिलना है उन सभी पीजीस का जनरली इन पीजीज का भाड़ा स्टार्ट होता है 3000 से, एंड ये भाड़ा डिपेंड करता है कि पीजी में आप लोगों को किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। मान लो आप लोगों को इन्वर्टर मिल रहा है पीजी में, तो ये भाड़ा थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। एसी मिल रहा है तो और ऊपर जा सकता है। किचन मिल रहा है आप लोगों को पीजी में तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड सपोज दैट कि बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, तब तो और ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब 3000 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, YouTube वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाता हूँ कि आप लोगों को किन एरियाज में रेंट मिलना है। रेंट दिलाने का काम मेरा नहीं है, वो तो ओनर ही देखते हैं, बट आप rentwalain.com में अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आप लोग कहाँ पे रेंट खोज रहे हो। एंड बाय एनी चांस आप नौकरी करने वाले हो या फिर आप लोगों का नया नया नौकरी लगा है जयपुर में, तब तो इन जगहों में आप लोग फ्लैट्स भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। इन जगहों पे आप लोगों को वेल फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा, बट उसका दाम थोड़ा सा हाई होगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो वसुंधरा कॉलोनी, गांधीनगर, गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर, महेश नगर, एंटोन फाटक के आसपास आप लोगों को कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या फिर डॉक्टर बनने की तैयारी, इन एरियाज में कोचिंग सेंटर मिल जाना है, एंड आप लोग जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो उस चीज़ में आप लोग सफल भी हो जाओगे, और इन्हीं जगहों के आसपास आप लोगों को रूम रेंट भी मिल जाएगा। और तो और इधर से मेट्रो भी गुजरता है, तो ट्रैवलिंग का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक मेट्रो का कार्ड बना लेना है एंड इसको रिचार्ज करके आराम से ट्रैवल करना है, और ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना है एंड भाई को सपोर्ट करना है ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आप लोगों के सामने बनाता रहूं। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरा मन भारी हो जाता है, और इसी भारी मन के साथ मैं आस्ताली विस्ता बोलना चाहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।